हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ राहुल के राज एंड योर मोस्ट वेलकम टू आर केयर नॉलेज। आज हम बात करने वाले हैं डेस्कटॉप डिस्प्ले स्क्रीन के रिजोल्यूशन के बारे में। क्या आपने कभी अपने पीसी को या डेस्कटॉप को प्रोजेक्टर से कनेक्ट किया है? अगर आपने कनेक्ट किया है तो आपको रिजोल्यूशन के बारे में पता ही होगा। डेस्कटॉप स्क्रीन डिस्प्ले का रिजोल्यूशन मीन्स इन सिंपल जो आपको आइकन्स, टेक्स्ट और जो क्लियरिटी आपको दिख रही है डिस्प्ले पे, उसे हम रिजोल्यूशन कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है जब आप अपने पीसी या कंप्यूटर को जब प्रोजेक्टर से कनेक्ट करते हैं या फिर आप कोई गेम ओपन करते हैं, उस टाइम आपका डेस्कटॉप का रिजोल्यूशन अपने आप सेट हो जाता है। मीन्स के सपोज आपने अपने पीसी या डेस्कटॉप को प्रोजेक्टर से कनेक्ट किया, उसके बाद जो प्रोजेक्टर का डिस्प्ले स्क्रीन होगा उस बेस पे आपका डेस्कटॉप डिस्प्ले स्क्रीन सेट हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है जब हम प्रोजेक्टर डिसकनेक्ट कर देते हैं, उसके बाद भी हमारा जो डेस्कटॉप डिस्प्ले स्क्रीन होता है वो डिफ़ॉल्ट साइज में नहीं आता है। हमने जब प्रोजेक्टर कनेक्ट किया था उस टाइम जो डिफॉल्ट साइज था उसी साइज में रहता है। और सपोज कभी ऐसा भी प्रॉब्लम होता है कि जब हम कोई गेम ओपन करते हैं, प्ले करते हैं, उसका जब उसको क्लोज करते हैं, उसके बाद भी जो डेस्कटॉप का डिस्प्ले साइज चेंज हो जाता है वो डिफॉल्ट साइज में नहीं आता। कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम होता है, कभी कभी किसी किसी पीसी में ऐसा प्रॉब्लम होता है, तो उस टाइम फ्रेंड्स आपको मैन्युअली जाके रिजोल्यूशन चेंज करना पड़ता है। वो आप कैसे चेंज करेंगे हम वही बात इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ फ्रेंड्स। राहुल के फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जो हमारे डेस्कटॉप का डिस्प्ले स्क्रीन साइज है वो 800x600 हो चुका है, क्योंकि हमने इसमें प्रोजेक्टर कनेक्ट किया था और जो प्रोजेक्टर का डिफॉल्ट स्क्रीन साइज है वही साइज है। अब हमने प्रोजेक्टर जब डिसकनेक्ट कर दिया उसके बाद भी ये डिस्प्ले स्क्रीन साइज अपने डिफॉल्ट साइज में नहीं हुआ। सो अब हम इसे मैनुअली जाकर चेंज करेंगे। वो कैसे चेंज करेंगे हम वही देखने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको रिजोल्यूशन चेंज करना हो अपने पीसी का, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप विंडोज़ 10 में राइट क्लिक करके डिस्प्ले सेटिंग में जाइए। विंडोज़ 10 के अलावा और कोई भी हो सो उसमें आप डिस्प्ले सेटिंग या फिर पर्सनलाइजेशन में जाके, उसमें आप डिस्प्ले सेटिंग आएगा, उसमें एडवांस सेटिंग में जाकर वहाँ पर रिजोल्यूशन चेंज करने का ऑप्शन आता है। हम यहाँ पर विंडोज़ 10 की बात करेंगे तो इसमें राइट क्लिक करके डिस्प्ले सेटिंग में जाइए। डिस्प्ले सेटिंग में जाने के बाद आप इसको स्क्रॉल डाउन करिए और नीचे एडवांस डिस्प्ले सेटिंग का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करिए एंड देन आप यहाँ पे देख सकते हैं रिजोल्यूशन का ऑप्शन है। अभी जो हमारा डिस्प्ले स्क्रीन साइज है वो 800x600 है, ये हमारा रिजोल्यूशन है। अब हम इसे चेंज करेंगे और यहाँ पर जो रिकमेंडेड है ये आपका डिफॉल्ट स्क्रीन साइज मतलब फुल स्क्रीन होगा, इसे आप जाके क्लिक कर दें एंड देन आप जब अप्लाई करेंगे तब 30 सेकंड या 20 सेकंड्स के लिए आपको एक प्रीव्यू दिखाएगा। और अगर उस प्रीव्यू से अगर आप सेटिस्फाइड है देन आप यहाँ पे कीप चेंजेस कर दें। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारा डिस्प्ले साइज फुल स्क्रीन हो चुका है। इसी तरह आप अपने पीसी का डेस्कटॉप का रिजोल्यूशन या डिस्प्ले साइज चेंज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, सी यू सून, गुड बाय।